अस्सलाम वालेकुम क्लास 3, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? टुडे इज़ मंडे 6 जुलाई. ओके, टुडे वी विल डू पेज नंबर 40. कौन सा करेंगे आज हम? पेज नंबर 40. ओके, अब ये देखिएगा, ये एक्सरसाइज 2A है, फिलिंग द ब्लैंक्स. अच्छा, ये आपने इसी तरह से ज़ुबानी करना है, लिख के नहीं करने, ठीक है? ताकि आपको भी पता चले आपकी कितनी एबिलिटी है, आप कितना प्लस माइनस इस तरह से भी कर सकते हैं. इन पार्ट ए में देखिएगा, द सम ऑफ 8000 एंड 1000, यानी कि 8000 प्लस 1000 कितने हुए? 8000 में आप 1000 करेंगे तो कितना होगा? 9000. आंसर कितना है? 9000. ओके, इन पार्ट बी देखिएगा, 4520 प्लस 3500. अब इसका भी आपको मेथड बताती हूँ कि लिखे बगैर आप किस तरह से प्लस कर सकते हैं. देखिएगा, वन्स में दोनों में ज़ीरो है, ज़ीरो आपने लिख दिया. ओके, टेंस में देखिएगा, टू और ज़ीरो है, यानी कि टू लिख दिया आपने. ओके, फिर हंड्रेड में दोनों तरफ फाइव है, फाइव और फाइव टेन, उसका ज़ीरो लिखेंगे और वन कैरी में चला जाएगा. थ्री और फोर सेवन और प्लस वन कैरी वाला एट, एट आपने राइट कर दिया. इजी लगा है आपको? इसी तरह से सी में देखिएगा, 300 प्लस 1300, ठीक है? आप ये देखिएगा, ज़ीरो जो है वो वंस, टेंस और हंड्रेड दोनों में सेम है, यानी कि 300 इधर भी है और 300 इधर भी है. 300 और 300, 600 और 7, 1000 कितने हो गए? 16. इसमें भी आप ऐसे प्लस कर सकते हैं, ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो राइट करेंगे, फिर ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो राइट करेंगे, 3 और 3, 6. ओके, और 1 एज इट इज़ आप लिख देंगे. इन डी पार्ट में देखिएगा, 1060 है और कितना है? 1000. ओके, इसमें भी सेम, आपने ज़ीरो में ज़ीरो किया ऐड तो ज़ीरो आ गया, फिर 6 में ज़ीरो किया तो 6 आ गया. ओके, ज़ीरो में फिर ज़ीरो किया तो ज़ीरो आ गया, फिर 1 और 1 आपने प्लस किए तो 2 आ गए. कितने बन गए? 2060. इन पार्ट ई में देखिएगा, इफ़ 25 इज़ एडिड टू 1975 द सम विल बी, कितना सम होगा? इसमें भी देखिएगा, 5 और 5 आपने 10, ज़ीरो लिख दिया, 7 और 2 9 और 1 कैरी का 10, फिर ज़ीरो लिख दिया, फिर 9 में आपने 1 ऐड किया तो 0, और 1 अकेला रह गया, 1 में जो कैरी का 1 था वो 1 और 1, 2. वैसे भी देखिएगा, अगर आप देखते हैं कि 1975, इसमें अगर आप 25 और ऐड कर लेते हैं तो वो भी 2000 बन जाते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, आपने टिक और क्रॉस लिखना है, ठीक है? टू एड टू नंबर्स वी एड वंस फर्स्ट, यानी कि अगर आप टू नंबर्स को ऐड करते हैं तो सबसे पहले वंस को ही ऐड करेंगे ना, सबसे पहले, ठीक है? फिर आप टेंस करते हैं, फिर हंड्रेड करते हैं, जो कुछ भी होता है, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसको ऐड करेंगे? वंस को. तो इसका मतलब इट इज़ राइट. इन पार्ट बी, 4250 इज़ द सम ऑफ 3125 एंड 1025. वो कह रहे हैं जी, ये दोनों का सम कितना है? 4250. अब इन दोनों को भी ऐड करके देख लेते हैं कि 4250 आ रहा है. 5 और 5, 0. 10 आ गया ना, तो उसकी जगह आपने 0 लिखा, ठीक है? इसी तरह से 2 और 2, 4 और 1 कैरी का 5, यहाँ तक तो भाई ठीक है. ओके, फिर अब ये देखिएगा, आपने 1, 0 इन दोनों को ऐड किया तो 1 ही आया, लेकिन इधर तो 2 लिखा हुआ है. 3 और 1, 4 ये भी ठीक है, सिर्फ क्या है हमारा, 2 नहीं आ रहा बल्कि 1 आ रहा है, इट मीन्स ये रॉन्ग है. When we add the numbers, we start adding from the left. ये तो रॉन्ग है, क्योंकि हम तो राइट साइड से 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम आखिरी वाले, लास्ट वाले नंबर से तो नहीं ना स्टार्ट करते. इन पार्ट डी, 100 मोर देन
6504 इज 6604, बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिएगा, 100 की जगह ये 5 है ना, 100 में इसमें सिर्फ आपने 1 ऐड किया, ठीक है, तो 6 बन गया, बिल्कुल ठीक है। इन पार्ट ई में देखिएगा, नंबर्स रिटन हॉरिजेंटली कैन नॉट बी एडिड। भाई क्यों नहीं हॉरिजेंटली हम ऐड कर सकते, ऊपर हमने सारे जो किए हैं वो हॉरिजेंटली ही तो ऐड किए, ठीक है, ज़रूरी तो नहीं आप उसे वर्टिकली लिखें फिर उसको ऐड करें। आप ऐसे ऐड करते हैं ना, वंस में वंस कर लिया, टेंस में टेंस कर लिया, हंड्रेड में हंड्रेड और थाउजेंड पे थाउजेंड, ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं, इट मीन्स ये भी रॉन्ग है। तो क्लास थ्री आज मैंने इसलिए ये थोड़ा काम करवाया है क्योंकि बुक्स मेरे पास थी और आपका टू लास्ट डे का भी जो है ना, टू डेज़ का मिसिंग है वो भी आपने करना है, इसलिए आज मैंने आपको सिर्फ पेज नंबर 40 करवाया है। और दूसरा बच्चों, मैंने आपसे ये कहना था कि आपने बुक्स पे इतना गंदा लिखा हुआ है वो बिल्कुल पढ़ा नहीं जा रहा, कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है, एक्सीलेंट उन्होंने लिखा है, उनको मैंने स्टार्स भी दिए हैं, और कुछ बच्चों का तो बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा। प्लीज़ आप लोग अपनी राइटिंग अच्छी करें, पहले पेंसिल को शॉर्प करें, ठीक है। मैं आपको पिक्स भी भेजूंगी कुछ बच्चों की, उनकी जो है बुक्स की और नोटबुक्स की, देखिएगा कितना नीट काम किया हुआ है। प्लीज़ आप लोग भी अपनी राइटिंग अच्छी करें और नीट काम करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।